मंदिर से लेकर घरों तक श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम। कान्हा के स्वागत में बिछाए पलक पावड़े। रानीवाड़ा से मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट। रानीवाड़ा कस्बे में मंदिरों से लेकर घरों तक श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव की धूम रही। मंदिरों में झांकियां सजाई गई तो घरों पर लोगों ने अपने पूजा स्थल को विशेष रूप से सजाया गया। वहीं आधी रात होने से पूर्व लोगों ने बाल गोपाल के झूले को पूरी तरह से तैयार किया एवं घरों से उठ रही पंजरी, माखन, मिश्री और भोग की खुशबू दूर दूर तक फैली। बुधवार आधी रात यानी कि रात 12 बजे से श्री कृष्ण भगवान के जन्म पर विशेष पूजा की तैयारियां कर लोगों ने कान्हा के स्वागत में पलक पावड़े बिछाए। गरबा चौक स्थित श्री पिपाजी मंदिर में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी पर्व पर कृष्ण लला का जन्माभिषेक देखने के लिए ग्रामवासी बेसरबी से इंतजार कर रात भर जागते रहे। ज्यों ही मध्य रात्रि 12 बजे मंदिर में जैसे ही अभिषेक प्रारंभ हुआ, ढोल नगाड़ा और शंख घंटे घड़ियाल के नाद से पूरा कस्बा गूंज उठा। रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। मंदिर में रात्रि के समय भगवान का जन्म हुआ और उनका जलाभिषेक और पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसके पश्चात व्रतियों ने पंचामृत, पंजीरी व सागहार ग्रहण किया। कई सालों से इस मंदिर में हर बार भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिर में गुरुवार को सुबह से लेकर शाम तक भगवान के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का तांता लगा रहा। बाद में ढोल धमाकों व झांकियों के लवाजमे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकालकर विसर्जन किया गया। इसी प्रकार कस्बे के भजनमाल रोड पर स्थित पूर्व जिला परिषद सदस्य श्रीमती ललिता भणाराम बोरा के निवास स्थान पर रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। जल और पंचामृत से अभिषेक किया गया। इस दौरान उप सरपंच सुश्री अलका बोरा, प्रियंका बोरा सहित कई बालिकाएं, महिलाओं ने गीत गाकर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। कस्बे सहित उपकरण क्षेत्र भर में गुरुवार को महिलाओं ने कन्हैया की प्रतिमा के आगे घूमर नृत्य कर जश्न मनाया।